पूरी स्टाफ मैनेजमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट उनके साथ दिल्ली से आए अरिशु प्राइवेट सेक्रेटरी श्री अंशु भारद्वाज। आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनको देखने का अवसर मिलता है, जनता की क्या डिमांड है उसको सुनने का भी अवसर मिलता है, आगे हमारे डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है उसको भी हम जनता को समझा सकते हैं। ये ऐसा एक आउटरीच प्रोग्राम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जब अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी देख रहा हूँ तो मैंने देखा है कि उधमपुर कल्चर की दृष्टि से बहुत रिच है। डोगरा कल्चर, डोगरा भाषा, डोगरा के जो बहादुरी, ये जो विषय आया है यहाँ, और आज मैंने जो एग्जीबिशन देखी है यहाँ, स्कूल में एक लाइब्रेरी देखी है, स्कूल की बिल्डिंग भी 1890 के आसपास की बनी हुई है, हेरिटेज बिल्डिंग भी हो सकती है, भाषा ये हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का पार्ट है, क्लासिकल लैंग्वेज हमारे यहाँ, जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर ये हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का भाग है, लाइब्रेरी एंड डेवलपमेंट हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का भाग है। ज़रूरत है यहाँ पे जो एक हमें सुबह से लेकर कल से लेकर डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कल्चरल सेंटर या कोई म्यूजियम बनना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ उधमपुर में एक हमारी म्यूजियम फंड स्कीम है, उसके तहत यहाँ अच्छा म्यूजियम बनेगा जिसमें आप जितने भी आपके कल्चर से संबंधित मोनोस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपि है, जितने भी आपके साधन हैं या पुराने सिविलाइजेशन के जो आइटम हैं वो सब रखे जा सकते हैं, और जनता देख करके गौरवान्वित महसूस कर सकती है कि हमारी डोगरी कल्चर कितनी रिच थी। देखिए डेलीगेशन मुझे लगता है कि सभी तरह के मिले, BDC के चेयरपर्सन और वो तो सब मिले, जो रह गए थे वो यहाँ मिले, यहाँ जो म्यूनसिपल काउंसिल है उधमपुर के उनके सारे काउंसिलर वो भी मिले, ट्रेड एसोसिएशन से लोग भी मिले, होटल इंडस्ट्री से संबंधित लोग भी मिले, कल्चर से संबंधित लोग भी मिले, सीनियर सिटीजन से लोग भी मिले, जी और जीने दो ये कंसेप्ट है उसके लोग भी मिले। एक डॉक्टर साहब अभी मिले, जो डॉक्टर साहब खड़े होंगे वो कह रहे हैं उधमपुर ने देश को ही नहीं संसार को सब कुछ दिया, ऐसे ऐसे भाव भी हमारे यहाँ देखने को मिले। बहुत अच्छा मेरा ये टूर रहा।